आज विधायक दल की बैठक हुई थी विधानसभा में। जो इस समय बजट सत्र है और बजट सत्र में सरकार की ओर, यानी क्या कहते हैं, अपोजिशन की ओर से जो इस राज्य की ज्वलंत तो मुद्दा है, उन सारे मुद्दों को प्रत्येक दिन हम सब लोग सदन के बाहर भी उठाएंगे और सदन के अंदर भी हम लोग उठाएंगे और हम लोग सदन में हिस्सा लेंगे और अपनी बातों को हम लोग रखेंगे। तो पहला जो मुद्दा है आप सबके संज्ञान में है, वो नियोजन नीति है, स्थानीय नीति है। भाई स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के सरकार, हेमंत सरकार आज से नहीं 2013 से वो राजनीति कर रही है। 2013 में आप सब लोगों को पता है जब अर्जुन मुंडा के साथ वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, वही स्थानीय नीति को लेकर के 1932 को लेकर के सरकार को उन्होंने गिरा दिया था और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई, यूपीए गठबंधन की सरकार बनाई। झारखंड में भी उनकी सरकार थी, दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यूपीए गठबंधन की मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी। 13 और 14 वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे लेकिन उस पर कुछ भी नहीं किया। और जब बीजेपी की सरकार बनी 14 से लेकर के 19 तक तो लगातार वो हल्ला करते रहे और 2019 में जब उनके नेतृत्व में सरकार बनी तो 3 वर्षों तक यूं ही ऐसे पटरी पर वो सोते रहे। जब जनता आवाज उठाते रही तो आपने देखा किस प्रकार की नीति बनाई, उस नीतियों का क्या हश्र हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए पार्टी ने तय किया है, विधायक दल ने, कि कल से हम लोग नियोजन नीति को लेकर के आवाज उठाएंगे, स्थानीय नीति को लेकर के आवाज उठाएंगे। भाई राज्य सरकार को विधि सम्मत बनानी चाहिए स्थानीय नीति, नियोजन नीति। आज सड़कों पर नौजवान भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, अंधेरे में हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को फेंका फेंकी नहीं करना चाहिए, करप्शन से भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए, अपने को बचने के लिए, दलालों को बचाने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से करोड़ों रुपयों के लॉयर को वो हायर करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। तो हमने बार बार कहा है कि 2-4-5 करोड़ रुपया और लगाना है तो लगा दीजिए, लेकिन फेंका फेंकी मत करिए। और झारखंड की धरती पर यहाँ के नौजवानों के लिए नियोजन नीति और स्थानीय नीति आप घोषित करें और उसको लेकर के हम लोग आंदोलन, ये सदन में भी रहेगी और सदन के बाहर भी हम लोग इसकी आवाज को हम लोग उठाएंगे। भ्रष्टाचार को लेकर के आज आप सब देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार की क्या हालत है, रोज नए नए चीजें आ रही हैं सामने। पहले पूजा सिंघल के घर में पैसे नोट मिले, वो जेल क्या कहते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है, उनके कई ठिकानों पर छापा पड़े, कई क्या कहते हैं पैसों का क्या जखीरा जिसको बोलते हैं वो भी प्राप्त हुआ। उनके जो दलाल बिचौलिया उनके घर में 2-2 AK-47 भी मिला। और अभी एक इंजीनियर के घर में जो छापा पड़ा तो आप सबने देखा होगा कि भाई हम लोग सुना करते थे कि नेहरू जी का कपड़ा पेरिस में धोता था, लेकिन हमने यहाँ देखा अखबारों में छपा था कि भाई वो पेरिस से पानी ला करके पीते थे 250 या 300 रुपया बोतल। वो पैसा किसका था? झारखंड की गरीब जनता की पैसा को भ्रष्टाचार के रास्ते कमीशन प्राप्त करके, और वो पेरिस से पानी मंगाता था पीने के लिए। और कपड़े के बारे में भी जो फोटो मैंने देखा जो छपा, कि भाई 30-35 हजार रुपया का शर्ट पहनते थे, वो भी एक बार पहनते थे, धोने की झंझट ना उसको फेंक देते थे, फिर दूसरा नए पहनते थे।
और झारखंड सरकार किस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को बचाता है उसका नमूना है। भाई पहले भी पूजा सिंघल पर जब ईडी ने केस करने के लिए कहा तो अभी तक केस उस पर दायर नहीं हुआ है। एसीबी ने जब केस करने के लिए इजाजत मांगा है, क्या कहते हैं कौन, क्या नाम है वीरेंद्र राव, उनके बारे में तो वो फाइल को भी उन्होंने रखे हुए। यानी कैसे बचाते हैं वो करप्ट और भ्रष्ट लोगों को, ये कोई सीखे तो हेमंत सोरेन से सीखे। और आप सबने देखा होगा कि यहां पूर्व के डीसी हुआ करते थे छवि रंजन, जहां रांची में जमीन की इतनी बड़े बड़े उन्होंने घोटाला किया है जिसकी कोई, जिस दिन जांच होगी और जांच तो हुआ है और उनके अफसरों ने जांच किया, लेकिन वो फाइल भी पड़ा हुआ है उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। सरकारी और गैर सरकारी जो गैर मजूरवा तो छोड़ दीजिए, सेना तक को जमीन को भी उन लोगों ने बेच डाला है। जिस दिन भी जांच होगा हम समझते हैं कि आज तक का सबसे बड़ा घोटाला वो सिद्ध होगा। तो ऐसे एक भ्रष्ट लोगों को बचाते हैं, भ्रष्ट लोगों के वो बने हुए, तो भ्रष्टाचार भी मुता रहेगी। लॉ इन ऑर्डर की तो आप सब लोग रोज देख रहे होंगे, कल की घटना आप सबको पता है कि उन्हीं के विधायक उन्हीं के नेता किस प्रकार से बोला, अफसरों का कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे होते हैं, अपराधियों से कैसे 60-40-50-50 पैसे वसूले जाते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। तो ये कोर जिसको कहते हैं मुद्दा है, और उसके पास साथ बाजार समिति का जो शुल्क 2% वो भी मुद्दा हम लोग उठाएंगे, और साथ ही जो कोर्ट फीस को भी सरकार ने जो बढ़ोतरी की है वो भी गलत है, क्योंकि उससे में भी एक प्रकार से भू माफिया या बड़े बड़े लोगों को ही मदद कर रही है, क्योंकि गरीब तो आप टाइटल सूट या बाकी ऊपर के कोर्ट में जा ही नहीं सकता है, कैसे नहीं कर सकता है, उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उतनी पैसा होगी तभी ना वो लड़ पाएंगे गरीब बेचारा। तो ये सारे जो ज्वलंत मुद्दा है राज्य की जिससे आम लोग जुड़े हुए, ये सारे मुद्दे और भी जो सारे मुद्दे आएंगे, बाकी तुष्टिकरण की है, पिछले दिनों देखे किस प्रकार की राज्य में जो घटनाएं हुई, अभी बाकी की भी घटना ताजा, ये सारे मुद्दे विधानसभा में उठेगी।